मीडिया से ये मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा आदिल से रिश्ता शुरू हुआ था एक कार डीलिंग से। मैंने उससे Q7 खरीदी थी जो उसने मेरे ही दोस्त से खरीदवा के उसमें मुझे 20 लाख का चूना लगाया और उसने हम दो दोस्तों को लड़वाया ये बोल के कि वो आपके लिए गलत बोल रहा है, वो आपके लिए गलत बोल रहा है। हम दोनों को एक दूसरे से बिना बात कराए मेरे ही दोस्त की गाड़ी मुझे 20 लाख एक्स्ट्रा में बेची। यहाँ से मेरा रिश्ता शुरू हुआ। उसके बाद मैं राखी के साथ कुछ डील कर रही थी, मैं उसे बहुत न्यूली जानती थी, बहुत ज्यादा न्यू, यहीं से मेरा रिश्ता शुरू हुआ था। वो बहुत प्यार से दीदी 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 करके मेरे पीछे पीछे आता था क्योंकि मेरे रिश्ते मैं दिखाऊंगी वो बाद की बात है। मेरे बॉलीवुड में रिलेशनशिप है, मैं काम करती हूँ, मैं इवेंट्स में हूँ, मैंने अभी पीछे भी कुछ इवेंट्स किए थे, मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। राखी के साथ मेरा कुछ बिजनेस था, ये मुझे बोला दीदी प्लीज एक बार मुझे नहीं फोटो खिंचवाओगे, मुझे नहीं मिलवाओगे, मैंने बोला बिल्कुल मिलवाऊंगी आ जाओ। वहां से ये आया, इसकी टिकट भी मैंने बुक की है, वो सबूत भी मैं दूंगी। मैंने उसको मिलवाया, मैंने राखी से मिलवाया, राखी और मैं जो भी काम साथ करने वाले थे, इसने मेरे को बोला कि दीदी आज तो पार्टी होनी चाहिए, एग्रीमेंट साइन हो गया है। तो ये कहीं जा रही थी, इसने बोला कि डेफिनेटली चलो चलते हैं। उसके बाद उसने इसका नंबर डायरेक्ट एक्सचेंज किया, हम लोग वापस आ गए। आने के बाद उसने मेरे को ये बात बोली कि दीदी चलो आप भी बिग बॉस चलते हैं, ये करते हैं, मैं राखी को ये कर लूंगा, मैं राखी को ये पटा लूंगा। मैंने बोला हेलो भाई, मैं सिर्फ काम करती हूँ, काम के लिए मुझे वो ब्रांड एम्बेसडर चाहिए थी, ना मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ, ना मेरा यहाँ पे कोई काम है, मेरे को इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने इसे फोन किया, पूछ लीजिए यही है, मैंने इसको बोला ये तुझे धोखा देना चाह रहा है और तेरे को इस तरीके से ये करना चाह रहा है। उसके बाद इसने राखी को मुझे ब्लॉक करवा दिया, मेरा को इसने राखी से बात करने ही नहीं छोड़ा। इसको बोला मैं बहुत गलत औरत हूँ, मेरे साथ रिश्ता नहीं रखना, मेरे साथ कॉन्टेक्ट नहीं रखना। मैं ठीक बोल रही हूँ? सही। उसने मुझे कॉन्टेक्ट बिल्कुल तोड़ दिया, ब्लॉक करवाया इसने मेरे को, इंस्टा से ब्लॉक करवाया, मेरे को व्हाट्सएप से ब्लॉक करवाया। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा राखी, आपने शैली को पहले क्यों सामने नहीं लेकर आए? बहुत लंबा वक्त हो गया, अभी हर कैरेक्टर ऐसे लग रहा है कि एपिसोड चल रहा है, नए नए कैरेक्टर आ रहे हैं। जब आदिल 6 महीने पहले जेल गए थे तब शैली आई थी शायद, आप लोगों को याद नहीं है? आज इन लोगों ने मैसूर से आए, मैं इन लोगों का कोटी कोटी प्रणाम। मैं आज भी नहीं आना चाहती थी, देखिए मैं आज भी आने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन इस लड़की के साथ गलत हो रहा है। मैं अकेली पड़ गई, ये मैं अकेली पड़ गई। और मैं सबसे पहले कि मैं जीते जी आंखें खोली हुई कोमा में चली गई। उस लड़की के साथ गलत किया वो मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसके बावजूद मैंने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये वापस आके यही करना चाहता है उनके साथ। लेकिन आपने क्यों ऐसा सोचा कि कोई बात नहीं, आपको कोई बात नहीं? वापस एक बार सजा होने के बाद, एक बार उसको जेल जाने के बाद आप क्या करोगे उसके साथ? छोड़ दो ना उसको, 6 महीने जेल में था, अभी वो आने के बाद किसने जेल में जाने का किसने किया? शाहरुख खान को साइन करेंगे दुबई के वो सारे, तो आप उस समय क्यों चुप थे? मैंने उसी वक्त दिए जिस वक्त मुझे मिले, मैं क्या उसकी गर्लफ्रेंड के, जब उसकी गर्लफ्रेंड ने आके मेरे से हेल्प मांगी, उसने मुझे सबूत दिया, मैंने उसी वक्त दे दिया सबूत। मैं कहां से लाऊं सबूत? सबूत मुझे मैंने दिया ना, के मुझे सारे सबूत दो। जब लड़की वो हेल्प के लिए मेरे पास आई उस वक्त मैंने ईरानी लड़की जो उस वक्त उस लड़की ने मुझे सबूत दिए, वो सबूत मैंने पुलिस स्टेशन में दिए, इसको दिए, आप लोगों को दिए। राखी आपके नाम के आगे अभी सारे हैशटैग लग रहे हैं और आप उम्रा करके आई, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद लगा कि चलो ठीक है चीजें सब पीसफुली सब चीजें सही हो जाएगी, उसके बाद चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो गई, रिलीजन को लेकर के भी बहुत सारी चीजें आई, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है कि आपके कंधे पर रख करके ऐसा लग रहा था आपको कि सब बंदूक चला रहे हैं और आप खाली एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं? नहीं, आदिल ने बहुत ही गंदा गेम प्ले किया। ये जो दोनों यहाँ पे, ये एक मिनट, उसके आगे क्या हैशटैग लगता है? राखी का हस्बैंड आदिल, राखी हस्बैंड आदिल खान दुरानी, हैशटैग नॉट आदिल खान वाइफ राखी सावंत, शी इज राखी सावंत, शी इज द वन हु गेव हिम फेम, शी इज द वन हु ब्रॉट हिम हियर। हां वो सब हम मानते हैं, लेकिन अभी लेकिन मैं शांत हो गई हूँ इसलिए क्योंकि मेरा दिमाग उनके बचपन के दोस्त और उनकी बहन फ्रेंड जो भी बोलो वो आई है यहाँ, क्यों आई है? उन्होंने देखा कि मैं अकेली पड़ गई हूँ यहाँ, वो देख रहे कि सब वो आदिल सबको तोड़ तोड़ के, मेरे ही दोस्तों को तोड़ तोड़ के मेरे अगेंस्ट खड़ा कर रहा है जिसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। और जब सच्चाई सुननी है आदिल खान
सुल्तान दुर्रानी के बारे में नहीं सुननी है तो बोल दो, मैं चली जाती हूँ। सुनना है अगर आप लोग को सच्चाई नहीं देश को सुननी है, मुझ पे फिर भी इल्जाम लगाने तो आप मुझे लगाने तो आप मुझे फांसी पे नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि आदिल खान ने जो भी इल्जाम मुझ पे लगाए बेबुनियाद है। इसलिए ये तो सब कोर्ट का है ना, ये तो कोर्ट का है। 10-10, 11-11 केस आदिल खान दुर्रानी के ऊपर, 420 के केसेस, और ये उनके दोस्त बोल रहे हैं यहाँ पे आए हैं। 3-3 शादियां कर चुका है, मैंने अभी आपको सर्टिफिकेट दिखाया, उन सबको तलाक दे दिया है। बैंगलोर को किसी गांव में दूर जाके नोटरी के साथ है। राजा राम भाई हमको चाहिए पूरा नोटरी के साथ, वो लड़कियां सब कुछ चाहिए हमको। कब तक? अच्छा राखी, 3 शादी की, उससे आपको दिक्कत है? अगर मान लो आपके साथ अभी वो रहते, सब कुछ अच्छे से रहता, तो आपको दिक्कत होती कि 2 शादी किया है? अरे वो 10 शादी भी किया होता ना, लेकिन एक बार सच बता देता, मेरी जिंदगी के मैंने 20 साल आप लोगों को दिए, इंडस्ट्री में लोगों को हंसाया, पूरे वर्ल्ड को कॉमेडी कर करके। कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में इतने बड़ा ट्रेजेडी हो जाएगा, यू नो, सोचा नहीं था। लेकिन आज क्या हो रहा है, एक बाहर का चोर उचक्का आदिल खान दुर्रानी आके मीडिया का टेंशन ले रहा है, मेरे पे झूठे इल्जाम लगा रहा है। मुझे मीडिया में नहीं आना, मैं अपना काम धंधा छोड़ दिया है, मेरा दुबई में काम चल रहा है, मेरा कनाडा में, मेरा हर जगह मेरा काम चल रहा है। छोड़ के मैं काम धंधा सब छोड़ के यहाँ आप लोगों के सामने सच्चाई देखने दिखाने के लिए बैठी हूँ। सब कहते कोर्ट में जाओ, कोर्ट में तो 10-5 साल लग जाएंगे, लेकिन यहाँ देश की जनता ने एक ही दिन में फांसी की सजा दे देती है। इन्होंने आदिल ने जो बोला वो उन्होंने सच मान लिया, और अपनी राखी को, जिसने मीडिया को हमेशा सपोर्ट किया, जिन्होंने टॉक शो, जिन्होंने रियलिटी शो, जिन्होंने बॉलीवुड में इतनी मेहनत करके बगैर किसी गॉडफादर के यहाँ तक पहुंची, देश के जनता को एंटरटेन किया, लेकिन इन्होंने बगैर सच जाने मेरे मुझे आई थिंक एक बार ही आदिल ने बोला था। राखी को बोलने दीजिए, आप मत से सवाल है मेरा। राखी ने सिर्फ खुद के साइड की बात बताई थी, आदिल के साइड की नहीं बताई थी। मैसूर जाने के बाद मुझे लगा कि आदिल कहीं ना कहीं सही है। जी, मैसूर जाने के बाद हम वहाँ पर किस रेस्टोरेंट में लंच किए थे, आपको याद है? फ्री कैच। हाँ, तो उस रेस्टोरेंट में हम बैठे और वहाँ पर अब्बास जी और उनके कुछ दोस्त आए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि शर्लिन, आपने राखी की कहानी सुनी है, आप चाहो तो आदिल के कुछ दोस्तों से मिल सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वो कैसा लड़का है, आपको आदिल की असलियत समझ में आ जाएगी। तो मैंने उनसे कहा कि अब्बास जी, मैं नहीं जानती हूँ आदिल को या उनके दोस्तों को, आप मुझे बताइए। तो अब्बास जी ने मुझे ये बोला कि असल में आदिल उनके लिए काम करता था, और आदिल कोई मतलब और उन्होंने आदिल को पहले ड्राइवर की नौकरी दी, उसके बाद अब्बास जी का कोई वहां पर ऑटोमोबाइल शोरूम है, यूज्ड कार्स के वो डीलर है, तो वहां पर आदिल को एक बेहतर नौकरी दी। तो ये सारी बातें मेरे सामने आई वहाँ जाने के बाद, मुझे आपको नहीं ये पता चला कि आदिल सही था, सही नहीं था। नहीं था। नहीं। अमन सही नहीं था। अमन बैकग्राउंड के बारे में, मतलब उसने जिंदगी में के लिए रेडी है, कौन सा सी नौकरियां की, उसके दोस्तों के बारे में क्या सोचते हैं, देखो आदिल के खिलाफ ये लोग आए दूर से, ऐसा होता है क्या? चलें जी, चलें जी, चलें जी, चलें जी, बात करो।